देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। दरअसल पूरा मामला मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के गांव अडिंग का है। यहां लोगों के साथ, खासकर गरीबों के साथ, राशन कार्ड बनवाने को लेकर मजाक हो रहा है। राशन कभी मिलता है तो कभी नहीं। ये महिलाएं बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जिन्हें बच्चों का पालन पोषण करने में काफी दिक्कतें आती हैं। नए राशन कार्ड पर 2 महीने राशन मिलता है, फिर डीलर द्वारा राशन कार्ड के लिस्ट से नाम काट दिया जाता है और कहकर मना कर दिया जाता है। मेरी समस्या ये है भाई साहब कि मेरे को 2-3 महीने से राशन मिल रहा था, लेकिन अब के मैं राशन लेने गया था, लेकिन डीलर ने मेरे से मना कर दिया कि आपका नाम कट गया है। राशन कार्ड भी है, सब राशन कार्ड है आपके पास? है जी, हमारे पास राशन कार्ड भी है, सब चीज है। क्या बोलते हैं राशन डीलर? राशन कार्ड डीलर बोलते हैं कि आप तहसील जाइए, तहसील से जानकारी मिलेगी। तहसील जाते हैं, वहाँ के चक्कर काटते हैं, वहाँ बाबू नहीं मिलता तहसीलदार। क्या करें हम, क्या फायदा है इस राशन कार्ड को देने से, तो हमको राशन ही नहीं मिलता है। राशन मिले ये अस्त है गए, निरस्त हो गए। हाँ, मेरी बहू का सगाड़ रह गई, 7 बालक छोड़ मारे हो, हैं काहे का पेट भरू में। मैं नौकरी का और कोई प्रधान बनेगा, जब कागज जे पसंद आ जाएंगे तो जी जमा जाएंगे, राशन मिल जाएंगे, और नहीं तो जिनमें आ जाएंगे। अच्छा, तो जी हाँ, यहाँ 2 महीने के बाद राशन कार्ड धारकों के लिस्ट में से नाम काट दिए जाते हैं या फिर नाम अपने आप ही कट जाते हैं। जब ये लोग पूर्ति विभाग से संपर्क करते हैं तो वो लोग भी यही बताते हैं कि किसी कारणवश लिस्ट से आप लोगों का नाम काट दिया गया है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।